भाई पंप से तेल डलवाया था, खतरनाक रिएक्शन लोगों का कि यार सोच रहे पता नहीं कौन जो आ गया यार यहाँ पे पंप में जा रहे। और कहीं अमीनाबाद आए और ठंडे हवा भी नहीं आए तो फिर यार अमीनाबाद आना बेकार है आपका। कॉम्बी टेस्ट करते हैं एक बार, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी। तो फाइनली गाइस दीदी और मैं जा रहे हैं आज अमीनाबाद, जो लखनऊ का हार्ट बोलते हैं। मेरी दीदी गई है अभी एटीएम में धन निकालने के लिए, तो पैसा वैसा निकालेगी, थोड़ा सामान वगैरह भी परचेज करना है। निकल गया तो निकल गया गाइस, चलते हैं फिर तो गाड़ी चलने के लिए। कितने रुपये का दे रहे हैं? 350-450। अच्छा पाइप भी दोगे साथ में? इससे आप कार भी धो सकते हो, पाइप भी और पेड़ पौधों में पानी दे सकते हो। अच्छा ये सिर्फ पाइप पाइप होगा, मतलब कार वार होने के लिए भी है ये वाला है, ये कार भी धोगा पेड़ पौधों में पानी दे। तो भाई 200 रुपये में ले रहा हूँ पाइप, बढ़िया गाड़ी वाड़ी धोने के लिए चाहिए था। एक खराब वराब होगा तो ले आऊँगा भाई, यहीं पर फेंक जाना, पैसे लेके जाना। तो फेंक जाना बता रहा भाई। तो ये जाते जाते ये ले लिया यार, अब तो सामान ही सामान हो जाएगा रास्ते से पूरा। तो इस पर डाल लेते हैं डिक्की में, तो तेल भी ख़त्म होने वाला है। जब जुब कर रहा है, फ्यूलिंग करवाते हैं गाइस अब आगे से। तो फ्यूल रिफिल करवाते हैं गाइस यहाँ से। देखो गाइस ये वाले पंपों में लेडीज भी काम करती हैं, इधर भी है देखो। और इधर लॉरी दीदी तेल फुल करवा लेना भाई। पैसे वैसे नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए क्या? आओ फिर काट लो, बताओ यार तेल वेल डाल दिया, पैसा ही नहीं ले रहे हैं, फ्री दे रहे हैं आजकल सेवा। भाई पंप से तेल डलवाया था, खतरनाक रिएक्शन लोगों का कि यार सोच रहे पता नहीं कौन जो आ गया यार यहाँ पे पंप में जा रहे। हालांकि कहा तो किसी ने कुछ नहीं, लेकिन सोच रहे थे यार कौन आ गया बंदा, सेलिब्रिटी तो नहीं आ गया अगर तो। लेकिन रिएक्शन अच्छा मिलता है लोगों को तो यार दिल को भी बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत खुशी मिलती है लोगों के बढ़िया बढ़िया रिएक्शन देख के। तो चलते हैं अमीनाबाद घूमते हैं आज, और विधानसभा भवन से गुजरने वाले हैं हम लोग अमीनाबाद की तरफ। तो रास्ते में विधानसभा भवन पड़ता है, बहुत शांत इलाका है गाइस, बहुत खूबसूरत इलाका, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा विधानसभा भवन का एरिया, और काफ़ी खूबसूरत एरिया है भाई, लखनऊ के एक खूबसूरत एरियाओं में से एक है। देखिए बिल्डिंग कितनी शानदार है, निर्माण भवन नाम है इसका। और ये पहुँचने वाले हैं हम गाइसगंज, हजरतगंज पहुँचने वाले हैं, तो सामने रहा गंज, हम लोग यहाँ से टर्न हो जाएंगे। और ये लखनऊ के खूबसूरत चौराहों में से एक चौराहा है। और ये जाता है अमीनाबाद के लिए सामने, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी चौराहा है यार, बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है यहाँ पे। देखो तो यहाँ से शुरू हो जाती है अमीनाबाद की मार्केट, और ऐसे खाने पीने वाले लोग भी दिखते हैं यहाँ। तो देखिए जूते चप्पलों की शॉप, तो इस एरिया में गाइस ज़्यादातर जूते चप्पल ही मिलते हैं। तो मैं चलाऊँगा दीदी, यहाँ को रश बहुत ज़्यादा है, दीदी चला नहीं पाएगी, तो मैंने कहा मैं पकड़ लूँगा। तो मैं हूँ राइडर, अब मैं चलाऊँगा गाड़ी, ऐसे डालनी पड़ती है गाड़ी तब जाके निकलती है। गाड़ी यहाँ पे लगा दी हमने, चलते हैं आगे का। भाई कहाँ की मुंबली है? लालपुर लालपुर खजानपुर
कानपुर की बड़ी बड़ी है यार, तो उत्तराखंड में भी ऐसी होती मुंबई बड़ी बड़ी। हम सोचे वहाँ की तो नहीं गई। देखो भाई चश्मे से मिलते हैं, कितने का भाई, कितने रुपए का है, कितने रुपए का दे रहे हो? 300 चलो बाद में। तो पूरी कपड़ों की मार्केट है और ये प्रकाश कुल्फी, यहाँ लखनऊ की फेमस कुल्फी, और ये अमीनाबाद की कपड़ों की मार्केट। क्या कह रहा भाई, कुछ कह रहे हो क्या? कह रहे हो ओरिजिनल है क्या? तो भाई ले लेते हैं भाई से चश्मा, चश्मा सही लग रहा है भाई का। और कोई दिखाओ अगर, पूरा गोदाम भर रहेगा तुमने, निकालो ना गोदाम से। तो गाइस यार अमीनाबाद है और चश्मा ना लिया हो ऐसा हो सकता है, तो ये वाला चश्मा लिया मैंने, तो कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। तो बाकी मार्केट में दीदी ने भी लिया है, दीदी ने तो मास्क वगैरह भी लगा लिया है क्योंकि कोरोना के भी बहुत केस वगैरह यहाँ पे मिलते रहते हैं, और हॉस्पिटल वाली है तो प्रिकॉशन रहती है, थोड़ा प्रिकॉशन रखती है वो भी। तो गाइस बाकी अभी ना अमीनाबाद एक्सप्लोर करते हैं। कोई पंगा हो रहा है, और यहाँ पे अमीनाबाद के एरिया में लड़ाई वगैरह होती रहती है क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, कभी किसी ने किसी को टक्कर मार दी, कभी किसी ने किसी को ठोक दिया, तो इस वजह से जो है लड़ाई वगैरह यहाँ पे बहुत होती रहती है। तो आम बात है यहाँ पे। और ये देखिए खिलौने वाले, और चूड़ी भाई की है, चूड़ी कैसे दी है भाई ये? अच्छा तो भाई महिला तो बहुत खतरनाक लगा हुआ है, हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा लग रहा है भाई। मैं तो आते रहता हूँ अक्सर, तो आज आप लोगों को दिखाने का मौका आज ही मिला मुझे। तो पूरी इधर को जूते चप्पलों की मार्केट है और सैंडलों की, देखो बाबा जी की शॉप है, बाबा जी ने पूरी चप्पल मोड़ दी। देखो भाई कॉस्मेटिक आइटम लेडीजों का, तो लोकल आइटम है गाइस, तो गांव वाले आते हैं तो वो परचेज करते हैं यहाँ पे, तो खूब सारे आइटम मिलते हैं। और देखो क्लिप वगैरह हैं, लेडीजों का आइटम है ये भी, तो शूज वगैरह हैं वो गाइस। देखो कितने का भैया? 450 रुपये। तो देखो यार बड़े सस्ते सस्ते हैं भाई, जो स्नो वगैरह में पहन के जाते हैं वाले बूट लग रहे देखो। और ये देखो गाइस कैंडी वगैरह यहाँ पे बहुत रखी है, कितने की है भाई? 10 रुपये कोई भी लो, 10 रुपये का कोई भी आइटम भाई। देखो ये भी 10 रुपये का है क्या, इलायची? बहुत सही यार। और इधर को गाइस लेडीज सैंडल्स वगैरह की शॉप हैं, बहुत सारी शॉप हैं इधर को, और लेडीज सैंडल वगैरह मिलती हैं इधर को, तो इधर तो जाना नहीं हमें, आगे चलते हैं। और पहले देखो कहीं सस्ते बेच रहा होगा भाई, हाँ पूछते हैं कितने के हैं। हाँ भाई कैसे दिए? 60 रुपये किलो। तो 60 रुपये किलो दे रहा है यार ये, मैंने परसों मैं एप्पल लेने के लिए गया हुआ था तो 100 रुपीज केजी दिए थे उसने, तो सही रेट दे रहा है ये 60 रुपये किलो। और देखो भाई लखनऊ में पतंगबाजी बहुत होती है यार, पतंगे पतंगे दिख रही है आसमान में। अमीनाबाद में यार बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं जिनमें शॉप वगैरह भी हैं, हफ्ते में गाइस एक दिन मार्केट भी लगती है यहाँ पे, तो बुधवार को लगती आई थी यहाँ पे मार्केट, तो मार्केट जिस दिन लगती है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है। बाबा जी कुछ देख रहे हैं, बाबा जी क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे हैं बाबा जी? तो बाबा जी कुछ देख रहे थे, मैं बात कर रहा था आपसे, तो बाबा जी सोच रहे पता नहीं क्या कर रहा है। अरे और ये देखो इधर को सब जितनी भी इमारतें दिख रही हैं आपको, पुरानी पुरानी शॉप हैं सभी, और कपड़े देखो ऐसे भी बिकते हैं यहाँ पर, चादर बेडशीट वगैरह हैं, और ये टॉवल्स
कितने रुपए की है भाई? ये 50 की है ये वाली भाई। ये 50 रुपए की वाली, ये 100 रुपए की। तो टॉवल्स हैं गाइस बहुत सस्ती यार, यहाँ पे 50 रुपए 100 रुपए बता रहे हैं। इधर भी टॉवल्स हैं देखो, और ये गर्म कपड़े ठंडियों के लिए आ गया माल। और बच्चों की सैंडल्स वगैरह है, काफी अच्छी लग रही है देखो। तो इधर को भी गाइस ये कपड़ों की मार्केट है, तो लेडीज आइटम ज्यादा मिलता है इधर को, जेंट्स आइटम बहुत कम मिलता है। देखो ठेले में भी कपड़े बड़े बेचते हैं यहाँ पे देखो। और देखो राइडर, राइडर का तो भगा दी उसने, देखिए वुडन के काफी अच्छे लग रहे हैं यार। कितने का भाई है? 550। लाइट जलती है इसमें? चल लग जाएगी ना, हिल लाया नहीं, ये तो लूसी रहा है। काफी बढ़िया लग रहा है ये, अच्छा 500 का। कितने का पड़ेगा लास्ट? 500, उससे कम नहीं। क्या लगा? चलो अभी तो फिलहाल देख रहे हैं, अभी देखते हैं लौट के। और ये ट्रे कितने की भाई? 180। मस्त है यार, कहाँ से लाते हो भाई माल ये? आसाम से। आसाम, बढ़िया यार। तो घड़ी ऐसे मिलनी यहाँ पे, देखो कौन कौन सी कंपनी की है भाई? राडो है भैया, रॉयल एक्स है, वॉच है, एचएमटी। तो कॉपी होंगी क्या? सब कॉपी है। तो बहुत गाड़ी रख रही भाई ने यार। देखो भाई के वहाँ भीड़ लगा दी, मैं खड़ा हुआ तो भीड़ लग गई भाई के वहाँ। अच्छा हम तो जहाँ खड़े होते हैं गाइस वहाँ भीड़ लगा देते हैं यार। तो 200 के लोवर है गाइस, देखिए और चाट वगैरह भी काफी एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे। तो ये यहाँ की फेमस शॉप है गोलगप्पे की, और टिक्की वगैरह भी मिलती है इसमें, चाट वगैरह। तो मम्मी का मोबाइल का बैक कवर लेते हैं गाइस, सैमसंग का फोन है मम्मी का, तो उसका बैक कवर लेते हैं। ठीक है, तो भाई के यहाँ पे तो ये वाला कवर लिया मम्मी के लिए, कलर सही लग रहा है, सिल्वर मेटालिक पे है। तो फोन वाले के वहाँ खड़ा हुआ तो वहाँ भी भीड़ लग गई यार, बताओ जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ भीड़ लगा दे रहा हूँ मैं, क्यों जहाँ भी जा रहा हूँ भीड़ लगा दे रहा हूँ। गजब बेइज्जती है, इतने सारे मोबाइल कवर बेच जाने, बताओ यार। और भाई क्रॉकरीज देखो, ये टॉप वगैरह सही लग रहे हैं। लेना है क्या कोई? नहीं नहीं, टॉप में 50 के दूंगा। कितने का भाई? 50 के दूंगा भाई। तो चाय साई के बहुत शौकीन है, तो दो कप ले लेते हैं चाय भाई पीने के लिए। 120 रुपये में सही है यार, तीन प्लेट है। 110 रुपये की इससे छोटी वाली बिकती है। चलिए ले जाइए आप। लगा दी भैया ने, देखो 100 रुपये में तीन, बहुत सही बार्गेनिंग तो दीदी बहुत बढ़िया कर लेती है। तो गाइस लेडीज आइटम ज़्यादा मिलता है यहाँ पे यार, जेंट्स होंगे तो कुछ भी नहीं मिलता है, शूज़ वगैरह। मैं तो मॉल से शॉपिंग करता हूँ, बाकी दीदी के लिए कुछ छोटे मोटे आइटम लेने होते हैं तो तभी आ जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया वैराइटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे, ज़्यादा महंगे तो नहीं रहते, रिजनेबल प्राइस में अच्छे आइटम मिल जाते हैं। मस्त होगी कमाई एकदम। तो यहाँ पे आज राइडर बहुत देखने को मिलेंगे तुम्हें, भीड़ भाड़ से ऐसे निकालते हैं धूं धां करके, तो मज़ा आता है राइडिंग देखने में। और भाई ये देखो यार, इंडियन फ्लैग हमारा यहाँ भी लड़ लहरा रहा है, लेकिन धूल मिट्टी से गंदा हो गया थोड़ा, तो यार वॉश वगैरह करवाना देना चाहिए। चलने की जगह नहीं है और गाड़ी ऐसे घूमती है। बड़ा भाई बड़ा, चलो चलो बड़ा बड़ो, बहुत ही मारा मारी है यार, देख रहे हो फंस गए। तो देखो नमकीनों की शॉप, सूट वगैरह देखना दीदी को, देखते हैं एक बार, सूट की बहुत सारी शॉप है इधर, भीड़ तो बहुत तगड़ी भाई। अभी अपने शादी वादी के लिए शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी आते हैं इधर बहुत लोग, तो शादियों के लिए और कोई पार्टी वगैरह के लिए यहीं से शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं।
चलो भैया बड़ा बड़ा पहले आंटी गरी आ रही है आंटी दुकान वाले को गाली दे रही है आंटी। प्रकाश की कुल्फी यहाँ है मशहूर, प्रकाश की कुल्फी कुल्फी बन रही है। तो भाई अभी थे हम पहली गली में, अब जा रहे हैं दूसरी वाली गली में। तो ऐसी यहाँ चार गलियाँ हैं, तो ये सेकंड वाली गली है। तो इधर को जेंट्स वियर में जो अभी दिखा यार ये कई टाइम बाद। इधर को जेंट्स वाली शॉपें भी हैं दो चार, तो रेडीमेड की है, रेडीमेड वाली शॉप है कपड़े वगैरह की। तो दीदी को तो कुछ पसंद ही नहीं आया बताओ यार, इतनी भीड़ में घूम रहे हैं हम लोग और लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए यहाँ पे। बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है शॉप है, मैंने कहा कौन खड़ी है लड़कियां यहाँ पे वो मेरे स्वागत के लिए। तो बस भीड़ बहुत है यहाँ पे इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखते हैं तीसरी गली में आए हुए हैं, यहाँ पे जूते चप्पलों की शॉप है सेंट। दीदी भी देख रही घाघरा, क्या बोलते हैं इसको, स्कर्ट नहीं देख रही, नहीं पसंद स्कर्ट है तो फैली होगी, निकलने की जगह नहीं है भाई। देखो देख रहे हो, उसे बीच में खड़े हो जाते हैं लोग, चलने की जगह नहीं बचती है। तो यार गाइस रिएक्शन बहुत तगड़े मिल रहे हैं लोगों के। और इधर को मेंस कपड़ों की शॉप है गाइस, ब्लेजर वगैरह। तो आगे को ये मार्केट खत्म ही हो जाती है अली लगभग, अमीनाबाद छोड़ के दूसरा मार्केट लग जाता आगे को। तो अमीनाबाद इनका क्या जेंट्स के ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे मिलेंगी, जो ब्लेजर वगैरह, और कुछ खास कपड़े तो नहीं मिलते मेरे को। तो यार अमीनाबाद के कपड़े पसंद नहीं आते, लेकिन अब आया था घूमने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना, भाई बहुत गर्म मार रहा है। तो बात करते हुए चल रहा हूँ, तो हॉर्न मार दे रहे हैं पीछे से, बताओ गलत चीज़ है ना यार, डिस्टर्बेंस होता है। तो दीदी पहुंच गई आगे, मैं रह गया पीछे ही, मैं दिख नहीं रही दीदी, वो है गाड़ी। ओके भाई पता है जल्दी में हो यार बहुत। दो दिन बाद टकरा गए, फूट जाएंगे कभी। तो भाई अमीनाबाद की कुछ फेमस चीजों में से एक चीज और भी है, वो है यहाँ का अचार। तो आगे जा रहे हैं हम लोग आगे अचार वाली शॉप में, तो आगे अचार लेंगे। तो यहाँ का अचार बहुत फेमस है अरोड़ा का अचार। तो अरोड़ा जो जो शॉप है, शॉप के ओनर का नाम है अरोड़ा, तो उनका अचार है। अभी देखना ऊपर वाला कहता है ये ओरिजिनल है और नीचे वाला बोलता है ये ओरिजिनल है, तो दोनों में से ओरिजिनल कौन सा वाला है वो देखते हैं अभी जाके, ठीक है। तो ये है यार देखो अरोड़ा की अचार, भाई ओरिजिनल अरोड़ा कौन सा वाला है, दोनों अलग अलग है। कौन सा वाला ओरिजिनल, कौन सा वाला पुराना वाला, कौन सा पुराने वाले में चलते हैं। तो पुराने वाले में चलते हैं गाइस। यह पुराने अचार की शॉप, कई सारी वैरायटियां हैं भैया के पास, अचार और मुरब्बे हैं गाइस, बहुत सारी वैरायटियां भैया के पास। देखते हैं टेस्ट करवाते हैं दीदी को, दीदी टेस्ट करके बताइए कौन सा अच्छा हो रहा है। सारे केक में पड़ने वाला आइटम है,
टूटी फूटी बोलते हैं इसको, क्यों भैया टूटी फूटी बोलते हैं ना। कौन सा लहसुन का खट्टा मीठा है भाई? ये वाला सही है, अच्छा टेस्ट है। लहसुन भी आपका पका हुआ है, मतलब कच्चे कच्चे रह जाते हैं ना, वो कच्चा पन नहीं है आपके लहसुन में, बढ़िया है। कैसे ले? और कौन सा? क्या रेट है भैया? 360 दे दीजिए। कितना? 250 ग्राम दे दीजिए। हो जाएगा 250 ग्राम से? तो दो ही लोग हैं खाने वाले यार, तो ज़्यादा थोड़ी खा पाएंगे, 250 ग्राम बहुत है। नहीं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। और कुछ लेना? मुरब्बे तो नहीं लेना? मुरब्बे भी पड़े हैं तेरे को। तो मुरब्बे भी गए इधर आओ लेके। 4000 सबसे बेस्ट कौन सा वाला है इनमें सर? नवर्तन थोड़ी स्पाइसी भी रहती है। पहले लेके गए थे एक बार हम कर कैसा हो रहा है तू बताना टेस्ट। तू खा ले, तू बताना। अच्छा तो हम भी टेस्ट करते हैं एक बार, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी, अच्छा टेस्ट है। ले ले। क्या रेट है? 300 कर दीजिए, 250 ग्राम कर दीजिए। अभी ये आम का चाह रहे भैया? ठीक, थैंक यू भैया। भाई यार एक दिन मैंने ये खाया था, बहुत खट्टा होता है यार ये तो। नहीं क्या रेट दे रहे हो? 20 का 1 पूछ रहे हैं। तो गाइस एक दिन खाया था मैंने तो यार बहुत ही ज़्यादा खट्टा था, दांत पूरे ऐसे होगा कि मेरे क्या बताऊँ खट्टे के मारे, पता नहीं कैसे खाते होंगे ऐसे लोग। तो पहुँच गए गाइस अपने वाहन के पास, और इधर खड़ा है हमारा वाहन, तो चलते हैं लेके सामान वगैरह डालते हैं गाड़ी में, फिट करते हैं। मैं चलाऊंगा तो दीदी ने पकड़ा दी चाबी और निकलता हूँ इसमें से, मैं ही चलाता हूँ। और गाइस अमीनाबाद आए और ठंडे कबाब ही नहीं आए, तो फिर यार अमीनाबाद आना बेकार है आपका। तो देखते हैं एक बार, ठंडे कबाब भी पहुँचे हैं और ठंडे कबाबी में इतनी लगी है भीड़। तो यह है गाइस ठंडे कबाबी, चलो देखते आते हैं अंदर एक बार। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आए हैं, तो जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पे आए हुए हैं सबकी यहाँ पे वो फोटोज लगी हैं, दिखाता हूँ। तो गाइस नीचे है रेस्टोरेंट और ऊपर भी है, ऊपर भी खा सकते हैं नीचे भी खा सकते हैं। तो फिलहाल इस समय तो मैं नॉनवेज खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो है पेट है थोड़ा गड़बड़, किसी और दिन आएंगे जिस दिन पेट सही होगा उस दिन आएंगे यहाँ ढूंढे कबाब भी नॉनवेज वगैरह खाने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं अभी घर को, तो दीदी यहाँ पे गाड़ी हमारी यहाँ पे, तो निकलते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।